बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 28/7/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में, आप देख सकते हो, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, साथ में सभी असेसमेंट का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, कमेंट चेक कर लो दोनों मीडियम में, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। निम्न समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। ये दो समीकरण है, x माइनस 2y बराबर 2, 5x माइनस 10y बराबर 10। तो इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार हम हल करेंगे, ओके। तो ध्यान से देखो आंसर, x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण एक है, इक्वेशन वन हो गया और ये इक्वेशन टू हो गया, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से कम से कम हमें दो हल निकालने पड़ेंगे, आप चाहो तो तीन भी निकाल सकते हो। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस 2, y 2 की तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण ध्यान रखना, इजी करने के लिए ऐसा लिख दिया गया है। पहला हल निकालेंगे तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे बच्चे y बराबर 0 रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले पुट y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख लो, यहाँ पर जहाँ पर y है ना आप 0 रखो, तो 2 पे 2 प्लस 2 गुणे y पर 0, 2 को 0 करो 0 मतलब 2 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक हल आ गया। फिर से सेम आपको यही लिखना है, ये इक्वेशन फिर से लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। और फिर से लिखो हिंदी मीडियम में y बराबर 1 रखने पर, इंग्लिश मीडियम में पुट y इक्वल टू 1। चाहो तो आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही आप रखो। अब आगे जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 2 पे 2 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 2 प्लस 2 एकम 2 4 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, जब y पर 0 रखा तो x का मान 2 आ गया, और फिर से जब y पर 1 रखा तो x का मान आ गया 4। इसके दो हल हो गए, ठीक है, बॉक्स बना दिया गया। अब समीकरण दो देखो, सेम इसको भी थोड़ा इजी करेंगे, 5x इधर रोकेंगे, माइनस 10y 10 की तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, तो x बराबर 5 इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब ये इक्वेशन ध्यान में रखना, ठीक है। तो फिर से पहला हल निकालेंगे इस समीकरण का, तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। सेम ऐसे आप इसको लिख लो, जहाँ पर y है वहाँ पर 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 5 आएगा, ठीक है, और 5 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, समझ गए, एक हल हो गया। फिर से सेम यही लिख लो, समीकरण आपको यही फिर से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तो दूसरी बार आप y बराबर 1 रख दो, हिंदी मीडियम में लिखोगे, इंग्लिश मीडियम में पुट y इक्वल टू 1। सेम इक्वेशन लिखा गया यहाँ पर फिर से, जहाँ पर y है 1 रख दो, आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 प्लस 10 एकम 10, 10 10 20 बटे में 5, 5 चौक 20 4 आ जाएगा भाग करने पर, ठीक है। तो कहने का मतलब इधर भी दो हल आ गए, जब आपने y पर 0 रखा तो x आपको मिला 2, और जब y पर 1 रखा तो आपको x मिला 4, ठीक है। तो दो हल इस समीकरण के हो गए, दो हल इस समीकरण के हो गए, जो कि ज़रूरी है, ठीक है ना, बिना इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो साफ साफ ऐसे लिख लेना। आगे देखो, अब इसको हमें ग्राफ पर शो करना है, ठीक है। तो इस प्रकार अब ध्यान से देखो, नंबर तो दोनों में सेम आए हैं, 2041, 2041, ठीक है। तो इस प्रकार बनाओगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले x पर प्लस 2 है, y पर 0 है, तो ये कहाँ पर होगा, प्लस 2 और 0 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, प्लस 2 और 0 आपका यहाँ पर हो रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर लिख दिया गया 2, 0, इसके बाद में 4, 1, एक्स पर 4 है, वाई पर 1 है, तो एक्स पर 4 प्लस का इधर है, वाई पर 1 इधर है, दोनों आपस में यहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दिया गया 4, 1, ठीक है। अब दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींचो, ठीक है, तो इस प्रकार एक रेखा जाएगी, और ऊपर लिख दो x माइनस 2y बराबर में 2, और नीचे लिख दो 5x माइनस 10y बराबर में 10, क्योंकि दोनों समीकरण पर एक ही रेखा बन रही है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है, तो आगे आपको लिखना है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, अतः बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक संपाती रेखा प्राप्त होती है, इसलिए समीकरणों के अनंत हल होंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, वाई ज्वाइनिंग द पॉइंट वी गेट अ कोइंसिडेंट लाइन, सो द इक्वेशन विल हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग हिंदी में इंग्लिश में लिख लेना, इस प्रकार आपको बनाना है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब भी दोनों समीकरण के लिए एक रेखा बनती है तो उसे हम बोलते हैं संपाती रेखा, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, ओके।
तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार आप बना लेना। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।